हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम छोटे बच्चों को टू लेटर के वर्ड्स और थ्री लेटर के इंग्लिश वर्ड्स पढ़ना सिखा सकते हैं। एक्चुअली कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम, हमारा बच्चा 4 साल का हो गया है, 5 साल का हो गया है, बट बुक रीड नहीं कर पाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप ईजिली बच्चे को टू लेटर के और थ्री लेटर के वर्ड्स पढ़ना सिखा सकते हो। देखिए, अगर आपको बच्चे को इंग्लिश की बुक पढ़ना सिखाना है ना, तो आज की डेट में आपको फोनिक साउंड्स पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। भाई, अगर आपको फोनिक साउंड्स नहीं पता है तो लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी एक वीडियो का, प्लीज जाके जरूर देखिएगा। देखिए, फोनिक साउंड क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। हर अल्फाबेट की एक हिंदी में साउंड होती है। जैसे हमारे बचपन में हमें क्या पढ़ाया जाता था, ए फॉर एप्पल, पर आजकल के बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है ए एप्पल। तो ए की जो साउंड है वो है ए। इसी तरीके से पढ़ाया जाता है बी ब बॉल, तो जो बी की साउंड है वो है ब। तो भाई, इस तरीके से जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो उसे उसकी हिंदी साउंड पता चलती है और धीरे धीरे वो हिंदी साउंड्स को जोड़ते हुए बुक रीड करना शुरू करता है। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप बच्चे को ईजिली पढ़ना सिखाते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा है इट, अब ये मैं और आप तो बड़ी इजीली पढ़ लेंगे, बट बच्चे के लिए ये आफत का काम हो जाएगा कि ये क्या लिखा है। तो अगर उसने फोनिक साउंड के थ्रू पढ़ा है ना, तो उसे पता होगा कि आई की साउंड होती है ई और टी की साउंड होती है ट। तो वो साउंड की मदद से बोल पाएगा ई ट इट। अब ये तो होगी भाई टू लेटर की बात। अब मैं अगर इससे वर्ड बनाती हूँ हिट या बनाती हूँ फिट, तो देखिए बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। एच की साउंड होती है ह, ह इट, ह इट, तो ये पड़ेगा हिट। एफ की साउंड होती है फ, फ इट, फिट। तो इस तरीके से बच्चा जोड़ के वर्ड्स को पढ़ना शुरू कर पाता है। तो चलिए अब देखते हैं एट। देखिए, मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में ना बहुत सजा सजा के नहीं लिखती हूँ, बट मुझे लगता है कि काम चल रहा है मेरा और आपका, तो भाई चलना चाहिए, समझ में आ रहा है मुझे भी और आपको भी, तो भाई हमें समझ में आना चाहिए बस। तो ये है ए ट। तो ए की साउंड होती है ए, टी की साउंड होती है ट। तो भाई टू वर्ड्स का लेटर बच्चा पढ़ पाएगा ए ट। तो बच्चा पढ़ना सीख गया एट। अब बच्चे को हम देंगे इस तरीके से, बी की साउंड होती है ब, तो जब एट के आगे ब लगाएगा तो हो जाएगा ब एट, ब एट, बैट। इसी तरीके से हम भाई बच्चे को देंगे जब आर की साउंड लगाने के लिए, तो ये बन जाएगा र, र एट, र एट, रैट। तो इस तरीके से बच्चे को हम सिखाएंगे। तो आपने सबसे पहले काम करना शुरू करना है फोनिक साउंड पे। अब देखिए भाई, कैन लिखा है मैंने यहाँ पे, बट बच्चा जब तक एन पढ़ना नहीं सीख पाएगा, वो कैन पढ़ना नहीं सीख पाएगा। तो पहले मैं सी को छुपा देती हूँ, तो ये है ए, एन की साउंड है न, तो ये हो गया ए न। जब मैंने लिखा कैन, तो क, सी की साउंड होती है क, तो बच्चा पढ़ पाएगा क एन कैन। अब ये बताइए आप, एफ की साउंड होती है फ, तो आप कैसे पढ़ेंगे, फ एन फैन। जी हाँ, हम इसे ऐसे पढ़ पाएंगे, देख सकते हैं अब आप। और तो हम लिखते हैं ए पी, ए की साउंड होती है ए, पी की साउंड होती है प। तो अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे कैप, तो भाई बच्चा आप कैसे नहीं पढ़ पाएगा, सोचिए। सी की साउंड उसे पता है क, तो वो ज्वाइन करेगा इसे क एप, तो ये बन गया कैप। देखिए, ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना फोनिक साउंड वाला, ये दो लेटर के वर्ड्स और तीन लेटर के वर्ड्स पे एप्लीकेबल होता है। जैसे जैसे वर्ड्स जॉइंट होते जाते हैं, उनकी साउंड्स चेंज होती जाती हैं। तो भाई बच्चे को जब बेसिक रीडिंग हम सिखा रहे हैं, तब हम फोनिक साउंड के थ्रू सिखाते हैं। तो ये हो गया, देखिए एम ए पी, एम की साउंड होती है म, तो जब बच्चा म पढ़ेगा और उसके साथ ऐप ज्वाइन करेगा, तो वो बना लेगा मैप। जी हाँ, तो इस तरीके से भाई बहुत ही आसान तरीका है ये।
अगर आप इसका पार्ट टू देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत लंबी लिस्ट बना रखी है इस तरीके से। तो भाई मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप बुक रीडिंग से रिलेटेड एक और वीडियो देखना चाहते हो तो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड आती हैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़। मेरे हिसाब से तो अच्छी हैं, आपके हिसाब से अच्छी हैं या नहीं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।